हेलो दोस्तों, मैं हूँ यसके और आप देख रहे हैं टेट्राथ्री हॉबी चैनल को। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही वो मेरा जुगाड़ है जो मेरी छत पे बंदरों को नहीं आने देता है और इसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसमें मैंने इसका जितना भी सामान था इसको मैंने अंदर इसमें खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने इसमें फ़ैन लगाया हुआ है जो मशीन की जो हीट होती है उसको बाहर निकालता रहता है। देखिए, ये प्लास्टिक का बॉक्स है। ये नीचे मैंने प्लाई लगाई हुई है जिससे कि इसका बेस जो है थोड़ा सा मजबूत रहे। और इसमें दो सर्किट लगे हुए हैं, एक ये मेन सर्किट है, एक दूसरा ये सर्किट है और ये कंडेंसर लगा हुआ है। तो मैंने इस मशीन के सारे पार्ट अलग अलग खरीदे हुए थे। ये मशीन के पार्ट जो थे मैंने अमेजोन से परचेज किए हुए थे, फिर मैंने इसको बाद में सारे सब पूरा सिस्टम मिला के इसको असेंबल किया खुद ही। और आगे देखिए, ये सारी स्विच लगी हुई हैं। ये देखिए, ये भी इस समय ऑन दिखा रहा है, ये ऑन है। ये ग्रीन बटन जो आपको दिख रही है ये मतलब ये ऑन है, और ये आपको रेड वाली दिख रही होगी जब पास से देखिए, ये जल रही है, बुझ रही है। बस ये मशीन इसी तरीके से काम करती है, जिस तरह से ये बल्ब जलता बुझता है उसी तरीके से इसका जो करंट होता है फेंसिंग का वो तारों में रहता है। तार में करंट बराबर नहीं रहता है, पल्स के रूप में रहता है, यानी कि कुछ देर के लिए ठहरेगा फिर बंद हो जाएगा, कुछ देर के लिए ठहरेगा और बंद हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ में एक ट्रांसफार्मर आता है, उसके साथ मशीन के साथ में आया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने उसको लगाया था। ये जगह आपको खाली दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने इसको फिट किया था। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों के यूज़ के बाद मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। तो जब मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि इसका जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ था वो ख़राब हो चुका था। तो मैंने उनको बताया, जहाँ से मैंने उनको इसको परचेज़ किया तो उनसे बात करी तो बोले कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, उसकी कोई गारंटी होती नहीं है, तो आपको वो नया लेना पड़ेगा। तो मैंने उनसे रेट पता करना चाहा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 900 रुपये का पड़ेगा ये ट्रांसफार्मर, ये यहाँ पे जो लगा हुआ था 900 रुपये का पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत महंगा पड़ गया, तो मैंने उसको वहाँ से परचेज़ नहीं किया। ठीक है, कुछ दिन मशीन को ऐसे ही बंद पड़ा रहने दिया, सोचता रहा कि और क्या मैं इसमें जुगाड़ कर सकता हूँ जिससे कि मैं इसको दोबारा से चला सकूँ। तो मैंने क्या किया, इसके ट्रांसफार्मर को पूरा खोल दिया, खोल के उसमें किस नंबर का तार पड़ा हुआ है, कितने टर्न पड़े हुए हैं, प्राइमरी में कितने टर्न हैं, सेकेंडरी में कितने टर्न हैं, ये सारी मैंने सारा जो डाटा था मैंने उसको निकाल लिया। और निकालने के बाद मैंने एक ट्रांसफार्मर उसी डाटा का मैंने दूसरा ट्रांसफार्मर बना लिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ट्रांसफार्मर कहाँ पे है। ये देखिए, ये वो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ये मैंने उसको खुद से बनाया हुआ है, मैंने अपने हाथ से जुगाड़ करके बनाया है। अब इसी ट्रांसफार्मर कितने जितना ये वर्क कर रहा है, इसी वर्किंग के लिए मुझे 900 रुपये से लेके 1000 रुपये की ज़रूरत थी, या मुझे खर्च करना पड़ता है इतना तभी ये मशीन मैं दोबारा चालू कर पाता। लेकिन मैं इलेक्ट्रीशियन भी हूँ तो मैंने सोचा कि अगर किसी दूसरे तरीके से ये काम अगर हो सकता है तो ज़्यादा बेटर है, उतना मेरा पैसा बच जाएगा। तो भाई मैंने किया, ये ट्रांसफार्मर इसमें डाल दिया। दूसरी बात आती है कि इस फेंस मशीन के साथ में जो ट्रांसफार्मर आता है तो उसकी एक खासियत ये होती है कि वो पैक होता है,
खुला ट्रांसफार्मर नहीं, जैसे ये आपको दिख रहा है कि खुला हुआ है, तो वो खुला नहीं होता है, वो हार्डनर में पैक होता है, यानी कि उसका कोई भी पार्ट आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल पैक कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर एयर ना जा सके। क्योंकि अगर इस ट्रांसफार्मर के अंदर एयर अगर जाएगी तो ये ट्रांसफार्मर करंट को है इधर उधर फैलाने लगता है, इसमें करंट फूटने लगता है, वो करंट फूटेगा तो ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा। तो जब मैंने ये ट्रांसफार्मर बना लिया, जब ट्रांसफार्मर ये मेरा बन गया, तब दिक्कत थी इसको वर्किंग कैसे कराऊं, क्योंकि अगर इसको ऐसे खुले में लगा देता, रख देता इसमें, तो वो तो लगाते ही ख़राब हो जाता। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने कहा कि केवल इसको एयर के कॉन्टैक्ट से बचाना, अगर ये ट्रांसफार्मर एयर के कॉन्टैक्ट से बचा रहेगा तो प्रॉपर वर्किंग करता रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने उसी के लिए देखा, आपको दिख रहा होगा ये एक लिक्विड पड़ा हुआ है, दिख रहा होगा ये लिक्विड, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर लिक्विड में, खुला नहीं है, खुला होगा तो ये एक सेकंड में नहीं चल पाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, जल जाएगी। देखिए दिख रहा है लिक्विड है, ये टोटल लिक्विड में डला हुआ है, और इसको एक साल पूरा हो गया है, ये ट्रांसफार्मर वैसे ही काम कर रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हो रही है, बढ़िया प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मैंने अपना ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और इसी सिस्टम की वजह से मेरे घर में जो है या मेरा जो बगीचा है उसमें बिल्कुल भी बंदर नहीं आते हैं, मेरा पूरा बगीचा सेफ रहता है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा ही कुछ बना सकते हैं घर पे अपने गार्डन की सुरक्षा के लिए, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है इन चीज़ों का, जिस तरह से मैंने किया। देखिए ये टोटल पूरा एक बॉक्स है, देखिए बॉक्स में मैंने इसको बनाया, दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये देखिए मैंने बॉक्स खरीदा था। अगर मैं इसको परचेज करता, पूरा बना बनाया परचेज करता, तो ये मुझे बहुत महंगी पड़ती, तो मैंने जो मुझे नॉलेज थी उसका मैंने उपयोग करके अपना बहुत पैसा बचा लिया, उसको खुद ही घर पे असेंबल कर लिया। तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें, कि क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के बाहर बहुत ही हाई वोल्टेज निकलता है, अगर उसको आपने प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया तो ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, आपके घर में किसी सदस्य के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो कृपया इसको घर पे करने की कोशिश ना करें, मैं आपको ऐसा कुछ भी घर पे करने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे क्या किया। तो कुछ भी ऐसा ट्राई ना करें घर पर। इस मशीन से इस ट्रांसफार्मर का जो करंट निकलता है वो बिल्कुल ही सेफ होता है, इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें वोल्टेज तो बहुत हाई होते हैं, 10,000 से लेकर 15,000 वोल्टेज तक इसमें निकलते हैं, लेकिन बात यह आती है कि वो हमारे लिए ख़तरनाक क्यों नहीं होता है, वो ख़तरनाक इसलिए नहीं होता कि इसमें एम्पियर बिल्कुल नहीं होते हैं, एक एम्पियर से नीचे लगभग आधा एम्पियर और या उससे भी कम एम्पियर होते हैं उस करंट में, उस वोल्टेज में, इसलिए वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी के लिए करंट वोल्टेज नहीं मायने रखता है, एम्पियर ज़्यादा मायने रखता है, कि अगर वोल्टेज के साथ में अगर एम्पियर भी आ रहा है तो वो आपके लिए ख़तरनाक है, अगर ओनली वोल्टेज है तो आपके लिए वो कोई ख़तरा नहीं रहता। इस मशीन में वोल्टेज हाई होते हैं, एम्पियर बिल्कुल नहीं होते हैं, तो केवल ये झटका देता है। मैंने देखा होगा आपके यहाँ गैस जलाने का लाइटर होता है, उसमें कभी उंगली रख के आपने किया होगा कि जो उसमें से स्पार्क निकलता है उस पर कभी उंगली रख के देखिए, बस वही करंट इसमें मशीन में होता है कि वो उसमें उस लाइटर में वोल्टेज जो स्पार्क निकलता है उसमें वोल्टेज बहुत हाई होते हैं, लेकिन उसमें एम्पियर बिल्कुल ना के बराबर होता है। चलिए आपको लाइव प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, ना आप लोग ये सोचेंगे कि मैं बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ, आपको करंट छूके भी दिखा देता हूँ कि एक हल्का झटका मारेगा और कोई भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं देता है। ये देखिए वो लाइन आई हुई है, तो मैं इसको आपको टच करके दिखाता हूँ कि ज़्यादा कितना करंट इसमें आता है। एक हल्की सी आवाज आ रही है इसमें, पास देखिए मैंने इसको टच किया हुआ है तार को, देखिए मैं पकड़े हुए तार को, मुझको करंट लग रहा है, देखिए देखिए
तो ये करंट जो है आपके लिए बिल्कुल ही सेफ है, आपको किसी भी तरह आपको या आपके घर में किसी भी सदस्य को इससे कोई भी हानि नहीं हो सकती है। तो इस करंट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही मामूली करंट एक झटका तो मारता है बस, और कुछ नहीं होता है इससे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ज़रा सी भी आपको नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, और मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।